गाजियाबाद में एक रिटायर्ड फौजी ने रोजाना अपनी गली में कूड़ा गाड़ी में स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित गीत बजने से तंग आकर कूड़ा एकत्र करने वाले एक कर्मचारी पर गोली चला दी। हालांकि कर्मचारी इस घटना में बाल बाल बच गया। इससे पहले भी रिटायर्ड फौजी ने सफाई कर्मचारी को धमकाया था और तेज आवाज में स्वच्छता गीत बजाने से मना किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी फौजी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के लोनी इलाके का है। वहीं फायरिंग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल शांत कराया। आरोप है कि सुबह के समय कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आई तो उसमें बज रहे स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े गीत को लेकर विवाद हुआ। इस पर स्थानीय लोगों ने भी रिटायर्ड फौजी की बात का विरोध किया तो जमकर हंगामा शुरू हो गया और मारपीट हो गई। वहीं 28 मई को थाना लोनी पर सूचना प्राप्त मिली कि चौकी कस्बा क्षेत्र के कंचन पार्क मोहल्ला में नगर पालिका लोनी के कर्मचारी पर एक व्यक्ति द्वारा स्वच्छता अभियान गाना चलाने से मना करने की बात को लेकर मारपीट और फायरिंग की गई है, जिसके संबंध में लोनी थाना में नगर पालिका कर्मी की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। साथ ही थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घटना से संबंधित इकराम नगर निवासी अभियुक्त तौहीद को लाइसेंसी रिवॉल्वर और खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी ने पूछताछ में बताया कि सुबह नगरपालिका की गाड़ी कूड़ा लेने आई, जिसमें स्वच्छता अभियान का गाना बज रहा था, जिससे वो डिस्टर्ब हो रहा था। जिसके बाद उसने नगरपालिका कर्मी से गाना बंद करने को कहा तो उसने मना कर दिया। इसी बात को लेकर उसका नगरपालिका कर्मी से झगड़ा, गाली गलौज और मारपीट हो गई और उसने आवेश में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नगरपालिका कर्मी पर फायर कर दी।